बोलना भाई, क्या कह रहे थे तुम लोग? हाँ, क्या कह रहे थे तुम लोग, बताओ जरा। मैं कह रहा था सर कि जो कंपनी ने दे रखी है 3.5 हॉर्स पावर, उतनी आ रही है मेरे आंसर में भी नहीं, जब मैंने उतनी नहीं, चेक किया उतनी था। उतनी नहीं आएगी भाई। उसमें क्या होगा कि कंपनी ने दे रखी है 3.5 हॉर्स पावर, पता चला कि तुम्हारी आ रही है 3.48 या 4.7 आ रही है, 4.6 आ रही है, इस तरह से। नहीं समझे? मेरी सर 3.53 आ रही है। हाँ, वो मतलब कुछ ना डेटा मिसमैच आएगा तुम्हें। मैंने तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया क्या है, बस ये समझो तुम लोग कि अगर ऐसा आता है तो तुम्हें लगेगा कि जो उसका पिकअप टाइम है उसमें इतना कम टाइम डिफरेंस आएगा इस पावर रिक्वायर्ड और पावर गिवन से कि तुम्हारी जो आईज है उस टाइम डिफरेंस को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आईज की भी तो सेंसिटिविटी होती है। जैसे मेरी ज्यादा आ रही है तो मतलब कंपनी ने मतलब कम बता रखा है ना। हाँ, कंपनी कम बता रही है तो कंपनी थोड़ा थोड़ा झूठ बोल रही है, ओवर क्लेम कर रही है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे अच्छा कंपनी जो है ठीक वो है अंडर सर, क्लेम कर रही है अपने आप। समझ गए ना मेरी बात को? यस सर। मतलब मान लो कि उतनी स्पीड को, उतने मास को 5 सेकंड में गेन करने के लिए 3.54 हॉर्स पावर चाहिए। तो अब ये सोचेगा हाँ आदमी सर, कि यार इसका क्या बताना, मतलब यार 3.54 चाहिए तो उसने कह दिया कंपनी ने, या मान लो चाहिए तो ज्यादा 3 पॉइंट, तो उसने कह दिया कि मेरी 3.5 है तो उससे काम चला लो, तो आदमी को लेगा ठीक है चलो कोई नहीं। तो ये झूठ भी तो उतना ही बोल रहे हैं ना जो लिमिट में है। हाँ सर, और बोलो, 28 28 से पहले तो नहीं है भाई किसी के? नहीं बोलो क्या सर, 28 में सर आंसर तो आ गया लेकिन क्वेश्चन, बोलो। थोड़ा समझ सा नहीं आया। अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय अ चेन। 1 मिनट, 30 kg। फिर इफ द ब्लॉक अक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 40 cm/s इन ड्रॉपिंग डाउन 2 m, फाइंड द एक वर्क एक डन बाय द एक चेन। एक एक मिनट, ये यहाँ कितनी स्पीड गेन कर ली इसने? 40 cm/s। कितनी हाइट गेन लूज करने के बाद? 2 m। अब तुम ये समझो कि ये मास अगर 2 m/s, मैं पूरा तुम्हें डिटेल में बता देता हूँ, अगर ये मास 2 m की हाइट फॉल करता तो यहाँ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता mgh। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कितना नो सर, नो सर, होता 600 g। 600। और अगर ये चेन इसको नीचे गिरने से ना रोकती, चेन पकड़ रखी है ना तुमने, जिसका मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, नीचे इसकी स्पीड को बढ़ने नहीं दे रही। यस बोलो, सर, तो अगर ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसकी स्पीड को बढ़ने नहीं दे रही, अगर ये ना होती तो दिस मच वाज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कितना होता? ½ mv2। ये कितना होता? 600। तो ये वी कितना आ जाता? ये आ जाता √2, 10 × 2, तो कितना आ जाता भैया? 2√10 आ जाता। हाँ सर, ये ज्यादा है ना इससे? यस सर, अब ये कम क्यों आई, स्पीड कम क्यों आई? क्योंकि कुछ इसकी एनर्जी का लॉस इस चेन के अगेंस्ट नीचे जाने में हो रहा है, लॉस हो रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे तुम नीचे गिरो तो एयर तुम्हारे ऊपर रेजिस्टेंस लगाती है, तो उसमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट तुम्हारी एनर्जी कुछ खर्च हो जाती है। यस सर। तो अब इतनी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, इतनी उसके पास है, तो चेन ने कितना वर्क करा? जो दोनों का डिफरेंस होगा वही तो होगा। ठीक है सर, मतलब ऐसा समझो ना, देखो
यहाँ से एक ब्लॉक फ्रीली अगर गिरता तो यहाँ के लिए हम लिखते एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वो नहीं है तो हम कह देंगे कि जो टोटल लॉस इन काइनेट पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको कहीं तो गेन होना चाहिए। देखो इसके पास कुछ स्पीड है, तो इसका मतलब इसने बेचारे ने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। अब इस एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस हो गया, अगर मैं उसको भी इसमें जोड़ दूं, वर्क डन बाय पुलिंग चेन। देखो चेन जो इस ब्लॉक को रोकने के लिए इस पर फोर्स लगाएगी ऊपर और ये जा नीचे रहा है, तो ये एक तरह का रेजिस्टिव वर्क है। बोलो, समझ नहीं पा रहे? आगे से समझ। तो वर्क डन बाय पुलिंग चेन कितना होगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये टोटल लॉस हुआ। अगर ये चेन ना होती तो इतना गेन काइनेटिक एनर्जी में हो जाता, पर इतना गेन नहीं हो पाया, इससे कुछ कम हो पाया, तो बाकी जो ये है यही तो बचा यहाँ, तो इसको इधर ले जाओ माइनस कर लो, बस ये बच जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था इस चैप्टर की एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, इसको ठीक से करना, क्योंकि इसमें सारा चैप्टर समझ आएगा इसी तरह के न्यूमेरिकल और इक्वेशन बना बना के करके। हाँ सर, इसमें एप्लीकेशन में ही आ रही थी दिक्कत। हाँ एप्लीकेशन ही इसके इंपॉर्टेंट। चलो आगे बोलो। 32 30 से पहले से किसी का तो प्रॉब्लम नहीं है भाई तुझे? सो 29 चलो भाई 29 बोल दिया। राइट, द हेवियर ब्लॉक इन एन एटवुड मशीन हैज अ मास एक मिनट ट्वाइस दैट एक ऑफ द लाइटर वन। सेकंड। एटवुड मशीन होती है ये, जो हेवियर ब्लॉक है उसका मास लाइटर से डबल है, ये 2m है, ये m है। फिर The tension in the string is 16 newton when the system is set into motion. 16। Yes, sir. अब एक सेकेंड रुको, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया पहले कि हेवियर ब्लॉक अगर नीचे a से जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है a से। इन दोनों के FBD जब तुम बनाओगे तो इक्वेशन बनेगी 2mg, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वहां पर टाइम सेविंग की वजह से इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इसका आंसर तुम डायरेक्ट ही लिखो, नहीं तो फिर वहां तुम्हें FBD बना के पूरा सॉल्यूशन इसी तरह से करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा इतना टाइम बच जाएगा। नहीं समझे? यस सर। देखो भाई मैंने क्या करा इसमें, मैंने ठीक तो कर दिया, शायद कोई प्रॉब्लम है किसी की। नहीं सर, सही है। मैं इन दोनों को एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो गया 2mg माइनस टी इक्वल टू 2t माइनस 2mg, तो कितना हो गया भाई? ये टी इक्वल टू हो गया 4mg बाई 3। तो हाँ सर, यहाँ यस पे सर। टेंशन दी है 16, तो यहां से तुमने क्या कैलकुलेट कर लिया? 1.2 आ गया था यहां से मास। तुमने ब्लॉक का मास कैलकुलेट कर लिया, ये पहला पार्ट हो गया, तो इसको तुम ओरली कर सकते थे, इतनी प्रैक्टिस तुम्हें होनी चाहिए। चलो आगे। फाइंड द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम अब देखो ध्यान से, मोशन। इस ध्यान से सुन, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है, यस सर। तो हम ये निकाल लेंगे कि इस सिस्टम में जो ब्लॉक्स हैं उनकी 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है, क्योंकि मोशन में तो आ जाएंगे ना। यस सर। अब देखो हैवियर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बोलो, यस सर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। डिक्रीज हो जाए। हाँ, सेमल्टेनियसली जो ये एम है ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर जितनी इसने लूज करी उतनी ही ये गेन करता, तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना जाता, ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पर रहते। यस सर। यहां मैं लिख दूं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2m, ध्यान से समझना, इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम प्लस
गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ, क्योंकि ये भी तो चले, इसीलिए तो चले क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब ये जो मोशन में है उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ से है? इसके नीचे गिरने वाली एनर्जी का एक पार्ट है। यस सर, ये बता दो जरा, यहाँ तक की बात समझ आई यार? आ गई सर। तो मैं यहाँ इक्वेशन क्या लिखूं, 2mgh इक्वल टू, ये टोटल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2m है ड्यूरिंग द फॉल ऑफ हाइट h, mgh ये m मास ने एनर्जी गेन करी, प्लस हाफ 2mv स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। तुम्हें इसमें ये ध्यान रखना है, कभी कभी पुली वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक ब्लॉक की स्पीड v है तो एक की 2v है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये तुम्हें याद रखना। जी, समझ गए। यस सर। यहाँ तो चूंकि दोनों सीधी सीधी कनेक्टेड है, तो एक ये इक्वेशन किस किस को समझ नहीं आई मुझे बता दो। आगे सो बस इसे सॉल्व ही तो करना है, ये नहीं निकाल सकते तुम? क्या आ जाएगा सर। पूछा क्या आपने? सर वो निकालना है ना वी। तो कैलकुलेट कर लोगे ना? यस सर। मतलब या तो ऐसे करो, ये जो ये वाली इक्वेशन है इसमें तुम्हें ए चाहिएगा, तो ये तो हो गया लॉज ऑफ मोशन से। यस सर, वो टेंशन। हाँ भाई, ये तो तुम ए निकाल के तभी तो करो, और अगर तुम वर्क पावर एनर्जी से करोगे तो एक चीज देखो जरा, तुम्हें ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत है, ये एम भी, क्योंकि एम दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। हाँ सर। तो इस सीधी इक्वेशन से, एक ही इक्वेशन से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने तुम्हें दोनों तरीके से बता दिया कि भाई लॉज ऑफ मोशन से कैसे करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे करेंगे। यस सर। किसी को और प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा कोई। 32 पहले ये बता दो भाई एक बार तुम लोग कि 1 से 30 तक तो किसी का कोई डाउट नहीं? नहीं सर। नो सर। सब लोग चेक कर लो भाई जरा एक बार। नहीं सर। ठीक है तो चलो फिर आगे 32 चलो। A block of mass 100 gram is moved with a speed of 5 meter per second at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane. समझ नहीं आया सर, इसमें क्वेश्चन में हुआ क्या? हम समझा देंगे यार, ऐसा क्या होगा, भगवान ने मुझे इसी लिए भेजा है तुम्हारे जैसे बच्चों की सेवा करने के। समझ पाए तुम? नहीं समझ पाए? जितनी पढ़ी अभी तक उतनी तो समझ गए। अब बस इसका मतलब ये है कि स्वर को मुझे यहाँ भेजने का जो मतलब है वो उसका सही साबित हो रहा है। ये देखते, ये एक वर्टिकल ट्यूब है। वर्टिकल ट्यूब समझ रहे हो ना, जैसे फ्लोर पे साइकिल के पहिए खड़े रहते हैं, वो वर्टिकल ही होते हैं। नहीं समझे? ठीक है सर। तो ऐसे एक वर्टिकल ट्यूब है और वो वर्टिकल खड़ी है और उसमें सर्कुलर है वो, और उसमें एक ब्लॉक है। उसने कहा है कि ब्लॉक, द शेप ऑफ द ब्लॉक इज सच दैट इट जस्ट फिट्स इन इट। हाँ सर। तो जस्ट फिट होने का मतलब ये है कि तुम्हारी उंगली के बीच में, एक अपने पेन को दोनों उंगली और थंब के बीच में रखो, वो जस्ट फिट। जब तुम उसको आगे पीछे करोगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो क्योंकि ये इसमें जस्ट फिट है तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा भाई, यहाँ पे भी लगेगा। यस सर। तो फ्रिक्शन क्या करता है? एनर्जी का लॉस ही तो करता है। तुम किसी फ्लोर पे किसी ब्लॉक को धक्का दो, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे जाकर रुक जाता है। अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होता तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। यस सर। उसने कहा कि इट इज देन थ्रोन फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, मेक सेवरल ऑसिलेशंस एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, कुछ ऐसा ऐसा कह रहा है। हाँ, और नीचे ऑसिलेशंस भी करता है। वो उसने कहा इट मेक्स न्यूमेरस ऑसिलेशंस एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है ऐसे ऐसे ही, और फाइनली भाई वो रेस्ट पे आ जाता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे। तो उसने क्वेश्चन पढ़ दो एक बार, ऐसे ही कहा है नहीं कहा? यस सर, ऐसे ही कहा है। ऐसे कहा है ना? तो अब
बताओ देखो क्या होगा, यहाँ पे वो रेस्ट पे था, फिर हमने उसको धक्का दिया, उसको हमने वी स्पीड दी, इसका मतलब हमने उसको क्या दिया यहाँ पे, एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। गुड। अब देखो अगर हम इस फ्लोर को मान ले रेफरेंस फ्रेम, तो इस रेफरेंस फ्रेम से पहले से वो कुछ ऊंचाई पे है या नहीं है? हाँ सर, उसके पास पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो तुमने उसको दे दी और पोटेंशियल एनर्जी उसके पास पहले से ही थी, इन दोनों को वो लेके चलता है टॉप मोस्ट पॉइंट से। यस सर। अब अगर देखो अगर उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती तो फाइनली क्या होता कि उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती, भाई ये इसमें मिल जाती तो फाइनल एनर्जी ज्यादा हो जाती, नहीं हो जाती? हाँ सर। तो यहाँ जो उसकी स्पीड काइनेटिक एनर्जी को बता रही है, जब ये ऊपर से नीचे आता, तुमने देखा होगा ना कि ऊपर से नीचे गिरने वाली चीजें अपनी स्पीड बढ़ाती है। हाँ सर, बढ़ाती हैं। इसीलिए तो बढ़ाते हैं क्योंकि पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में हो जाता, तो जब ये ऊपर से नीचे गिरता तो ये पोटेंशियल भी इसके साइड मिलती रहती, तो काइनेटिक एनर्जी से उसकी स्पीड बढ़ जाती। यस सर। और वो तो यहाँ पर बहुत सारे ऑसिलेशन करके रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब उसकी यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। और रेफरेंस लेवल पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, जीरो ही होगी। तो उसके बेचारे के पास थोड़ी देर पहले तो इतनी एनर्जी थी, थोड़ी देर बाद जब घर पर गया तो बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसकी मम्मी क्या कहेगी उसे कि तू अपनी एनर्जी कहाँ खोया है? ट्यूब को। तो उसने क्या करा बेचारे ने, उसने यूं कह दिया कि मैं तो ट्यूब पर रगड़ रगड़ के खो दी मैंने तो, मतलब फ्रिक्शन खा गया मेरी। तो दिस मच इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ नैरो ट्यूब इन विच ब्लॉक इज जस्ट फिटेड। बोलो ये बात समझ आई? इसमें सर हाइट कैसे निकालेंगे हम ये ट्यूब भाई की? यार ट्यूब की रेडियस का डबल होगी यार, कैसी बात करते, अच्छा हाँ ठीक है सर। कहाँ तुमने आज अफीम का नशा किया है भाई सिद्धांत? वो सर मुझे लगा अंदर वाली जो ट्यूब है उसकी रेडियस दी हुई है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। थोड़ी देर पहले तेरे दोस्त हाइपोग्लाइसिंग हो गया तो तेरे ऊपर भी वो छिड़क के भाग गया थोड़ा सा। देखा उसने क्या पूछा, हाँ सर। मतलब इरिटेट कर देता है ना आदमी, अच्छा भला आदमी पढ़ा रहा हो उसे भी ना, वो आदमी इरिटेट, पता नहीं किस तरह से होता है। हाँ भाई क्या कह रहे हो तुम, और भी प्रॉब्लम है क्या कुछ? पूछ रहा हूँ सर, एक सेकेंड। अरे यार ये लड़कियां बैठी आज, वैसे भी तो वो है अष्टमी, लड़कियों का दिन आज, देवियों का, ये पूछती नहीं कि तू क्या बैठी रहती है। युक्ति देखो बोल लेगी नहीं ये लड़की, अदिति हाँ जी सर। मुंह में क्या गुटखा उटका डाल के बैठते हो, नहीं सर। बोलते क्यों नहीं फिर, प्रॉब्लम क्यों नहीं पूछते? अब नहीं हर्षिका, ये सब बेचारी ऐसी लड़कियां हैं बिल्कुल नहीं बोलती, साइलेंस मेंटेन रखती। अरे और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की? सर इससे आगे हो नहीं पाया। नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, वन से हम चल सकते हैं, यहां तक किसी का कोई टाइम बच रहा है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है सर। तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी जब। कौन हो गया था डिस्कनेक्ट, इसे पकड़ो पहले, कौन है डिस्कनेक्ट होने वाला? नाम मैंने बताने के अभी, मैं अब नहीं, अच्छा अब नहीं, प्रॉब्लम है कोई नहीं है तो नहीं पर बहुत टाइम लगा था कर। हो रही है ना, टाइम लगने से क्या मतलब होता है, पहले स्टेज पे टाइम लगा दूसरे को कम लगेगा। थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है पर तो पूछा करो ना, जहां हो पे गए। कंफ्यूजन होता है तो नोट कर लिया करो, पूछ लिया करो। कल कहाँ तक करोगे? कल तुम एक काम कर लेना, अब कल तुम 55 तक कर लेना।
है, क्योंकि आगे थोड़े से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं परेशान नहीं होगी, कम कर लेना। ठीक है सर। और ज्यादा अच्छा तुम्हें लगे तो भाई 60 कर लेना चाहे तो 60 तक, और उससे भी ज्यादा कल तुम होगी जा क्लास? कल कर लेना, और ज्यादा खुशी हो जाए तो। कल क्या है, अरविंद सर ने बंद रखी थी कल सर। अबे भाई हम तो घर से ही तो पढ़ रहे हैं यार, रात को कौन कहीं जाता है हाँ भाई। सर हाँ इसी टाइम पढ़ लेंगे, कौन सा रख लेंगे सर। सिक्स, तो फिर तो तुम खुशी खुशी में ना 64 कर दो ठीक है सर। कल। वैसे भी अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन है, तो तुम जो तुम्हारा आलस है उसके ऊपर अपनी विक्ट्री दिखाओ कि देखो हमने आलस को कॉन्कर कर लिया। ठीक है, हाँ ओके चलो कल मिलेंगे भाई। कोशिश कर लेना कि देखो एक एक प्रॉब्लम को ठीक से समझ के कर लेना, अगर अभी भी किसी ने ट्राई नहीं करी तो भैया दोबारा कर लेना जाके, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर में तुम्हारा खून भी जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। कल मिलेंगे भाई, चलो ठीक, गुड नाइट सर। गुड नाइट एक्सक्यूज भैया। मी सर, हाँ 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 बोलो बोलो भाई। सो मुझे ना इलास्टिक वाले पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसकी इलास्टिक रिकॉर्डिंग इलास्टिक के। इलास्टिक वाला कौन था? सर जो आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद पढ़ाया ना पार्ट, मैंने क्या पढ़ाया, मुझे खुद ही नहीं पता, तो मुझे बता दो क्या पढ़ाया। सर वो जो स्प्रिंग वाले थे वगैरह। देखो अब मैं एक्चुअल में गांव में से मैं आ गया मुजफ्फरनगर, मेरा वो वाला लैपटॉप वहीं रह गया, इस लैपटॉप में वो वाली रिकॉर्डिंग है ही नहीं, तो मेरे पास पता नहीं होगी तो मैं भेज दूंगा, नहीं होगी तो मैं उस पर देख लूंगा टेलीग्राम। ओके सर, ठीक है, तुम मेरे से फिर भी चाहोगे तो दोबारा क्लास में पूछ लेना, टाइम बचेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके सर। ठीक है।